लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक में है। मोदी साहब प्रधानमंत्री होते हुए यह अपने भाषण में 100% झूठ बोलते हैं और इतिहास को मरोड़ तोड़ के लोग के सामने रखते हैं, जैसे वह बड़ा ज्ञानी है। ये जनता को अंधे समझ कर बाहर क्या निकालेगी, धक्का मार के गड्ढे में डाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी का भाषण सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, आपको ताज्जुब होगा किस तरह मोदी भाषण में 100% झूठ बोलते हैं। वहीं 5 सालों में मोदी के कामों को देखकर प्रधानमंत्री पद के लिए इस बार मोदी के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत के रास्ते इतने आसान नहीं दिख रहे हैं। बता दें, साल 2014 में मिली अपार सफलता के बाद इस बार काफी ज्यादा चुनौती है। आने वाले चुनाव में 3 हिंदी भाषा राज्य उसके हाथ से निकल चुके हैं, बीजेपी के हाथ से निकल चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में एक और समाजवादी दल और बहुजन समाज पार्टी की आपसी गठबंधन और प्रियंका के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव अभियान 2014 में बीजेपी को मिली सफलता को उलट भी सकते हैं। फिर बिहार में एनडीए के घटकों के, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उस सफलता की आशा ना करें जो उसे पिछले चुनाव में मिली थी। बता दें, आज भी लालू फैक्टर का असर बना हुआ है और उनके परंपरागत मतदाता आज भी रजत के साथ खड़े हैं। इसी बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि जब प्रधानमंत्री 9 अप्रैल को चित्रदुर्गा आए थे तो उनके हेलीकॉप्टर से एक संदेहास्पद पक्षा उतारा गया था, जिसके बाद एक इनोवा में रख कर वहां से निकाल दिया गया। अब कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर सवाल पूछा है कि आखिरकार उस बक्सा में ऐसा क्या था जिसे आनन फनन में निकाल दिया गया था। जिस कार में उस बक्से को निकाला गया वो इनोवा कार किसकी थी, आखिरकार उस बक्से में क्या था। सरकार जवाब दे, इसे इतनी जल्दी वहां से क्यों निकाला गया। कर्नाटक कांग्रेस के मुताबिक वह इस पूरे मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करेगा ताकि उस बक्से का रहस्य सामने आ सके और पूरा सच क्या है ये पता लग पाए। कांग्रेस इस मामले में सीसीटीवी भी जमा कराएगी और पूरे मामले की तफ्तीश की मांग भी करेगी। बता दें, कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सुरक्षा का फायदा उठाकर बीजेपी कोई खेल खेल रही है, जिसका जनता के सामने सच आना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।